नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सीमा राज सिंह, जो ओबीसी कैटेगरी से हैं और इन्होंने आज बहुत अच्छे से चाय स्टॉल लगा रखा था। सीमा जी, आपको कैसे लगा कि यहाँ पे चाय स्टॉल लगना चाहिए? सबको तो पहले मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पर हर साल आती हूँ दो बार, एक तो 14 अप्रैल को आती हूँ और दूसरा 6 दिसंबर को आती हूँ। तो 14 अप्रैल को तो यहाँ पे इतनी रौनक होती है जैसे कि मेला लगाओ, और 6 दिसंबर को क्या होता है कि यहाँ पे सुनसान, बस 2-4 लोग। मतलब बड़ी मायूसी सी होती थी मुझे कि भी खलता था कि यहाँ पे तो मतलब जैसे बाबा साहब एक्सपायर हुए तो उसमें कोई नहीं आता, तो लोग आते हैं तो इतनी सर्दी में आते हैं, तो मुझे लगा जैसे कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर चाय का स्टॉल लगाऊंगी मैं और साथ में कुछ बिस्किट वगैरह, तो इस वजह से मैंने उनके लिए तो स्टॉल लगाना शुरू किया। एक बात बताइए, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वैसे तो सारा जन मानता है, पूरा भारत मानता है, लेकिन ओबीसी के लोग कम मानते हैं, ऐसा क्यों है? और आपने बाबा साहब को कैसे फॉलो करना शुरू करा वो भी बताएं। एक्चुअली क्या है कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और मेरी कास्ट ओबीसी है। बाबा साहब ने मतलब महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, उनको आज़ादी दिलवाई है, उनको संविधान में सबसे पहले महिलाओं का जो समानता का अधिकार है वो दिलवाया। तो मैं बाबा साहब को, मैंने उनका संविधान पढ़ा तो मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस हुई कि मतलब उन्होंने हम महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है। तो मतलब मुझे लगा कि मतलब बाबा साहब के लिए एससी ओबीसी जनरल सब महिलाएं एक समान है, तो मैं उनके उस जीवन से बहुत प्रभावित हुई थी, इसलिए फिर मैंने बाबा साहब को के साथ मतलब उनके मिशन को आगे बढ़ाने की सोची। और मेरी जो शादी है वो भी बौद्ध धर्म से हुई है, और जिस परिवार में मेरी शादी हुई है वो शुरू से ही कहना बाबा साहब के विचारधारा को मानता है। आप थे सीमा राज सिंह जी, जो हर एक आपको तथागत गौतम बुद्ध का कार्यक्रम हो या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात हो, वहाँ पे आपको ज़रूर नज़र आएंगी और सेवा करते हुए नज़र आएंगी। दिखाई नहीं देती हैं लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे इनके कार्य हैं जो वन बाय वन होते रहते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, थैंक यू।